वेलकम बैक टू स्टडी इन योर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे पलवा के आर्ट एंड आर्किटेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये तीसरी लेक्चर सीरीज है पलवाज की। इससे पहले मैं आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ पलवाज की, इसके बाद मैं सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा चुका हूँ, एंड दिस इज़ द लास्ट एंड थर्ड पलवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर आपने अभी तक मेरी कोई सी लेक्चर नहीं देखे हैं पलवाज की, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप इसको लास्ट तक देखें, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो जो सोर्सेस लिए हैं, मैंने आपको पहले सोर्सेस बता देता हूँ, जो तमिलनाडु की जो हिस्ट्री है 11th क्लास की, वहाँ से मैंने ये सोर्सेस किया है, उसके अलावा विकिपीडिया से, और उसके अलावा मैंने जो एनसीईआरटी जो है इससे भी मैंने सोर्स कराया, और तीनों को मिला के मैंने एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्रेंशन लेके आया हूँ आप यहाँ पलवा के आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। सो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से पलवाज के बारे में। पलवाज की क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब मैं आपको पढ़ाऊँगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करोगे तो आप बोलोगे कि दिस इज़ द बेस्ट लेक्चर एवर आई प्रोड्यूस इन द यूट्यूब। ओके, सो सबसे पहले पढ़ेंगे द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर बिगेन विद द पलवाज। सही बात है कि जो द्रविड़ियन स्टाइल का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था, जो द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेंपल हुए थे, वो स्टार्ट हुए थे पलवा के टाइम पे। अब आप बोलोगे कि सर द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेंपल क्या होते हैं, तो बेसिकली मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो टेंपल होते हैं वो बेसिकली तीन पार्टों में उनको डिवाइड किया जाता है। ओके, सबसे पहले नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल, उसके बाद द्रविड़ियन नगारा, मैं पूरे लिख लेता हूँ जो कि जिनको नहीं आता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ लोगों को आपको आता है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो पहला है वो नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल, नगारा, ओके, उसके बाद द्रविड़ियन, और तीसरा है विसारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। ओके, तो इनमें बेसिकली जो डिफरेंस कुछ नहीं है, थोड़ा सा इनकी जो आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है आर्किटेक्चर में वो डिफरेंट है। तो जो नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल है वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में जो टेंपल बनाए गए हुए हैं उनका जो आर्किटेक्चर है उनको नगारा स्टाइल कहा जाता है, जो साउथ इंडिया के टेंपल उन्हें द्रविड़ियन स्टाइल कहा जाता है। ठीक है, उनमें बेसिकली डिफरेंट चीज़ें होती है आर्किटेक्चर में, तो इसलिए इनको डिफरेंट स्टाइल बोला गया है। इसके अलावा जो विसारा स्टाइल है, विसारा स्टाइल इन दोनों का कंपोजिशन है, दोनों को मिला के बना हुआ है, उसको विसारा स्टाइल कहा जाता है। तो आई होप आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को गैदर कर पाए होंगे। तो चलिए, द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेंपल इन्हीं के टाइम से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम पलवा की आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इंटू फोर फेज। वो फोर फेज क्या थे मैं आपको पहले बता देता हूँ ओवरव्यू, ताकि आप मैं जब आपको पढ़ाऊँ तो फिर से आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जो सबसे पहला जो फेज था रॉक कट टेंपल का था, मैं बताऊंगा रॉक कट टेंपल क्या होते हैं। फर्स्ट फेज रॉक कट टेंपल बोल सकते हैं, जो कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद जो मोनोलिथिक रथाज बनाए गए थे, जो कि नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनाए गए थे मोनोलिथिक रथाज। ओके, और जो इनका मेन सेंटर था वो महाबलीपुरम था, जिसके ममलापुरम भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड स्टेज में इन्होंने स्ट्रक्चरल टेंपल बनाए, ठीक है, जो कि सोर टेंपल है महाबलीपुरम में। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये सोर टेंपल किसने बनाया है। इसके अलावा जो फोर्थ फेज है, इट इज़ आल्सो स्ट्रक्चरल टेंपल है, और बहुत से राजाओं ने जो कि नरसिम्हा वर्मन सेकंड के बाद आए थे उन्होंने स्ट्रक्चरल टेंपल को बनाया था। तो ये फोर स्टेजेस मैंने आपको बता दिया है। तो आइए चले, सबसे पहले पढ़ते हैं महेंद्र वर्मन के बारे में कि किस तरीके से महेंद्र वर्मन ने टेंपल बनाए थे। ठीक है, तो जो महेंद्र फर्स्ट था वो रॉक कट टेंपल था, और यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि रॉक कट टेंपल क्या होता है। ठीक है, जो रॉक को काट के बनाया हुआ जो टेंपल होता है उसी को रॉक कट टेंपल कहते हैं। सपोज ये एक बहुत ही बड़ा रॉक है, ठीक है, इस रॉक को काट के, ठीक है, जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं बनाई गई है ना, इन द सेम मैनर ये रॉक का टेंपल होते हैं जो कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम पे बनाए। रॉक को काट के इनको नक्काशी देके कार्व करके जो टेंपल बनाए गए थे उनको ही रॉक का टेंपल बनाए गए जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सपोज महेंद्र वर्मन ने रॉक कट टेंपल बनाए थे, इसका मतलब ये नहीं थे कि उस टाइम ये स्ट्रक्चरल टेंपल को नहीं जानते थे। स्ट्रक्चरल टेंपल का क्या मतलब होता है मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। स्ट्रक्चरल टेंपल का मतलब होता है कि बहुत सारे ब्लॉक्स को ज्वाइन करके मोर्टार से जो टेंपल बनाए जाते हैं उनको स्ट्रक्चरल टेंपल कहे जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है। तो जो महेंद्र वर्मन
जो रॉकर टेंपल बनाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रक्चरल टेंपल को नहीं जानते हैं। बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जो कि एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे ये पता चलता है कि मेंदर वन वन फर्स्ट के टाइम पे भी स्ट्रक्चरल टेंपल्स को नॉन जानते थे, बशर्ते उन्होंने रॉकर टेंपल को ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, तो आइए आगे सेकंड फेज के बारे में पढ़ते हैं। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, आपको पता है इनको ममला भी कहा जाता है। ममला मतलब होता है रेसलर। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में जाइए जहाँ पे मैंने आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाई है पलवा की, वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ममला जो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम मैंने आपको मैप के जरिए भी बताया था, फिर से बताऊँगा महाबलीपुरम कहाँ पर है। इसको ममला भी कहा जाता है और इसको इस्टेब्लिश किया था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। ओके, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने किया था। तो वहाँ पे जो मोनोलिथिक रथाज, जिनको मंडपाज भी कहा जाता था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा। जो मोनोलिथिक रथाज क्या होते हैं, अब मोनोलिथिक मतलब होता है मोनो मतलब सिंगल, लिथिक मतलब स्टोन होते हैं। तो जो सिंगल स्टोन से जो रथाज बनाए गए थे, जो मंदिर बनाए गए थे, जो स्कल्पचर बनाए गए थे, उनको ही मोनोलिथिक रथाज या मंडपाज कहा जाता था। ठीक है, और बेसिकली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही माना जाना है वो फाइव रथाज है, जिनको पंच पांडवा रथाज भी कहा जाता है। पंच पांडवा रथाज भी कहा जाता है, आपको ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको बताऊंगा मैं मोनोलिथिक रथाज क्या होते हैं, मैंने नीचे पिक्चर दे रखी है इसके बारे में, फिर से बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद राजसीमा के बारे में आता है, जो थर्ड फेज है स्ट्रक्चरल टेम्पल के। स्ट्रक्चरल टेम्पल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। सोर टेम्पल, या ये सोर टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सोर टेम्पल कहाँ पर है, क्या है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी महाबलीपुरम में ही, इंडिया और चाइना का इनफॉर्मल समिट भी हुई होगी, इस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सोर टेम्पल है और कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल, ये दो बनाए गए थे किसके द्वारा, राजसीमा के द्वारा, और राजसीमा को नरसिम्हा वर्मन सेकेंड भी कहा जाता है। ओके, तो एक दो चीज़ आपको याद रखना है कि जो राजसीमा के जो टाइम पे जो टेम्पल बनाए गए थे, एक तो एक सोर टेम्पल बनाया गया था, एक कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ टेम्पल था वो बनाया गया था। ठीक है, तो सोर टेम्पल की क्या खासियत है हम आगे भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जो सोर टेम्पल है वो महाबलीपुरम में बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे, अब मैं सोर टेम्पल के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी दे देता हूँ, सोर टेम्पल किस तरीके से है। ठीक है, ये रथाज है, ठीक है, ये पंच पांडवा रथाज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पाँचवा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रथाज है। आई होप आपको अब अंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो पा रही होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसके अलावा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या थे। इसके अलावा जो महाबलीपुरम के जो टेंपल है, ये है महाबलीपुरम का टेंपल। ठीक है, अब देखो इसमें तीन श्राइन थी। देखो महाबलीपुरम में जो सूर टेंपल था ना, इसको सूर टेंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिस इज़ प्रोजेक्टेड टुवर्ड दिस सी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ सूर टेंपल। ओके, अब सूर टेंपल में तीन मेन श्राइन थी, जहाँ पे एक मेन श्राइन ये है, एक ये है और एक ये बीच में है। ठीक है, इन मेन श्राइन का क्या था कि जो ये ईस्ट की साइड है, ये वेस्ट की साइड है और ये मिडिल में है। ठीक है, तो जो ये ईस्ट की साइड है और ये वेस्ट की साइड है, दीज टू श्राइन आर डेडिकेटेड टू शिवा, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है, एंड द मिडिल वन इज़ डेडिकेटेड टू विष्णु, एंड दिस इज़ कॉल्ड विष्णु श्राइन। अब आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो एनसीईआरटी में लिखी है, आई थिंक इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, जो विष्णु है इस टाइम पे, जो विष्णु श्राइन है ये बीच वाली, इसमें जो विष्णु है, विष्णु को एक इमेज में शो कराया गया है जिसको कि कहा जाता है, अनंता सनाया सयाना। ठीक है, अनंत सयाना, थोड़ा सा ठीक है प्रोनाउंसिएशन का आप मैनेज कर दीजिए कि अनंत सयाना, ये अनंत सयाना मुद्रा में है। अनंत सयाना मुद्रा का मतलब है कि विष्णु सोए हुए हैं। तो ये एनसीईआरटी में लिखा गया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये याद भी रखना है कि इसमें मेनली तीन श्राइन है, तीन श्राइन में से दो शिवा को डेडिकेटेड है। अब आपको ये बताना है कि जो शिवा को जो फॉलो करते थे उनको क्या कहा जाता था, और जो विष्णु को फॉलो करते थे उनको क्या कहा जाता था। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आपको एक बार फिर से कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको रथाज के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके बारे में लास्ट जो बचते हैं ओपन आर्ट एंड गैलरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर भी हुआ था। स्कल्पचर का क्या मतलब होता है, स्कल्पचर सिंपल मूर्तियां होती हैं जो कि बनाई गई थी महाबलीपुरम की अगल बगल ही बनाई गई थी। तो क्या इनमें
इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वहाँ की ओपन आर्ट गैलरी किस तरीके की थी, ठीक है। अर्जुन का पिनेंस दिखाया गया है, पिनेंस मतलब होता है तपस्या करना, ठीक है। पिनेंस का मतलब होता है यहाँ पे तपस्या करना, ठीक है, यहाँ पे तपस्या करना, ठीक है। इसके पीछे के बैकग्राउंड की कहानी मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा एसेटिक कैट है, एसेटिक कैट का मतलब ये है कि जो साध्विक साधना में है, जो कैट भी साधना में है। लाइट स्पीकिंग मंकी, लाइट स्पीकिंग मंकी का मतलब होता है कि जो जुएँ होते हैं ना, आपको हिंदी में आपने सुना होगा, जो जुएँ हैं वो, ठीक है, जुएँ जो पिक कर रहे हैं मंकी यहाँ पे। इसके अलावा जो सीतन वर्सल पेंटिंग है, दे आर ऑल्सो एसोसिएट विद द पलवा किंगडम। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है पलवाज का, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट है, और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे डेवलप करा गया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, ठीक है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ जो स्कल्पचर थे वहाँ के, तो आपको बता देना चाहता हूँ इस यहाँ पे एक मैंने एक पिक्चर भी आपके लिए ली है, ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चले। मैंने आपको बताया कि अर्जुन का पिनेंस, ठीक है, ठीक है, अर्जुन, अर्जुन है पिनेंस, ठीक है। अर्जुन किस में है, साधना में है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्कॉलर की दो अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये है, जो ये बाबा जी दिखाई दे रहे हैं, कोई स्कॉलर इनको अर्जुन कहते हैं, ठीक है, कोई इनको भागीरथी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या दो व्यू है, मैं आपको अलग अलग तरीके से बता देता हूँ। दो व्यू इस तरीके से हैं कि जो अर्जुन है वो अपनी साधना में लगे हुए हैं, ठीक है, अर्जुन अपनी साधना में है, और इस तरीके से यहाँ पे उनको दिखाया गया है, ठीक है। ये सोर्स से कहाँ से पता चलता है आपको, भारवी, आपको पता है भारवी एक स्कॉलर थे उस टाइम के, जिस टाइम पे इन्होंने लिखा था कीर्त अर्जुनिया, ठीक है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख लेना। कीर्त अर्जुनिया, कीर्त अर्जुनिया का मतलब होता है कि पिनेंस ऑफ अर्जुन, ठीक है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ यार, ये जो स्कल्पचर है वो अर्जुन है, अर्जुन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तपस्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा व्यू है, दूसरा व्यू ये है कि यहाँ पे ये भागीरथी है, राजा भागीरथी है, जो कि गंगा को अपनी तपस्या से नीचे बुला रहे हैं, ताकि जो वहाँ सूखा पड़ा है उस सूखे से वो निवारण कर सके। तो ये दो व्यू है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो एसेटिक कैट है, ठीक है, जो साधना में जो कैट है, ठीक है, एसेटिक कैट है, वो भी वहाँ पे दिखाई गई है स्कल्पचर में, चित्रों में दिखाई गई है। तो वो कहाँ पे, वो यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे, ये कैट है, कैट जो साधना में है। अब आप बोलेंगे कैट साधना कर सकती है, जी बिल्कुल कर सकती है, उस टाइम पे इन्होंने दिखाया गया है। तो ये किस तरीके से है, ये देखिए, इनके अगल बगल चूहे हैं, ये अगल बगल ये चूहे हैं, जो छोटे छोटे दिखाए गए हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके से लीन है कि ये बोले कि मैंने पूरी मोह माया त्याग दी है, इस ये कैट कह रही कि मैंने पूरी मोह माया त्याग दी है, और जो ये कैट हैं ये इसके अगल बगल घूम सकते हैं, ये कह रहे कि मैं आपको खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इस मोह माया से त्याग कर दिया है, ठीक है। तो ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं जो स्कल्पचर हैं वहाँ की, कहाँ के, महाबलीपुरम की, मैंने यहाँ आपको शो करवाए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये ही इम्पोर्टेंट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, जो कि पलवा के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसके अलावा जो सीतन वर्सल पेंटिंग है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये बताना है, सीतन वर्सल पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग है या मूरल पेंटिंग है, आपको बताना है। जनरली दो प्रकार की पेंटिंग होती है, एक मिनिएचर पेंटिंग होती है, एक मूरल पेंटिंग होती है। तो आपको बताना है जो सीतन वर्सल पेंटिंग है वो मूरल पेंटिंग है या मिनिएचर पेंटिंग है। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है कि वो पेंटिंग जो कि किसी फ्रेम में बनाई गई हो, और जो मूरल पेंटिंग होती है वो मूरल पेंटिंग किसी भी दीवार पे या किसी भी बड़े प्लेसेस पे बनाई जाती है, ठीक है। तो जो सीतन वर्सल पेंटिंग, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, जो सीतन वर्सल पेंटिंग है वो मूरल पेंटिंग है, ठीक है, मूरल पेंटिंग है, विच इज़ एसोसिएट विद द पलवा किंगडम। सो डैट्स इट फॉर द टुडे। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर था किसका, पलवा किंगडम का। आई होप इस टाइम आप पूरा समझ चुके होंगे किस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर था। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, अगर आपको कुछ भी लगा हो जो मैंने छोड़ दिया, प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से बताऊँगा ये सारी चीज़ें। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं आपको अलग से फिर से बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इम्पोर्टेंट एक नोटिस दे देना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं ज्योग्राफी की सीरीज़ अब लाने वाला हूँ। मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जो ज्योग्राफी की नई सीरीज़ आने वाली है उसको मैं आपको, वो आपका नोटिफिकेशन आ जाए, और ताकि आप उसको भी देख सको, क्योंकि वो ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपकी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो डैट्स इट फॉर द टुडे, थैंक यू ऑल गाइज़।